everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. This is me Jolly Yadav and आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 पर हमारे आज के प्रोजेक्ट अरिहंत 1 पर. This is a uber luxury project and has a lot to offer you. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की. So like I told you, ये सेक्टर 1 में है नोएडा एक्सटेंशन की. And the major plus point of this project is its location, prime location पर project है. And यहाँ से आपको connectivity बहुत ही ज्यादा अच्छी मिल जाती है. गौर सिटी, जिसे कि किसान चौक के नाम से जाना जाता है, सीधी कनेक्टिविटी मिल जाती है. उसके साथ साथ नोएडा की भी आपको यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है. You will not have to go through गौर सिटी टू नोएडा. आपको यहाँ से सेक्टर 75 की कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड एक्वा लाइन की भी कनेक्टिविटी मिल रही है. प्लस FNG इज ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम हियर. NH24 की भी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है वाया गौर सिटी. सो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर सारी जगहों की मिल जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको परी चौक की भी कनेक्टिविटी मिल रही है. परी चौक इज अराउंड 10-15 मिनट्स फ्रॉम हियर. एंड इसके अलावा नॉलेज पार्क 5 is just opposite to this sector. जी हाँ, यहाँ पर नॉलेज पार्क 5 है जो की वॉकिंग डिस्टेंस पर है. एंड नॉलेज पार्क 5 में आपको यहाँ पर 10-15 ऑपरेशनल स्कूल मिल जाते हैं, जिसके DPS स्कूल है, रियान इंटरनेशनल स्कूल है, अमंग मेनी अदर्स. साथ ही साथ अगर हम इस सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर 1 काफी ज्यादा रिनाउंड सेक्टर है इन नोएडा एक्सटेंशन. एंड यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है कई सारे उनमें से डिलीवर्ड है एंड कई सारे नियर टू पोजेशन सेगमेंट के है. That means ये fully developed sector है and यहाँ पर आपको commercials के भी काफी सारे options मिल जाते हैं. 1-1.5 किलोमीटर के radius में कई सारे यहाँ पे commercial के options भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि Golden Eye, D-Mart, etc. पंचमुखी हनुमान मंदिर is a very famous landmark in Noida extension. तो वो भी यहाँ से आपको directly accessible distance पर मिल जाता है, around 5 मिनट की दूरी पर रहेगा. So guys, that was the location and connectivity of Arihant 1. Let me remind you again, ये एक luxury segment का project है and has lot of exclusive amenities to offer you all. So चलिए अब मैं आपको project के अंदर लेकर चलती हूँ and we'll explore it together. Guys, Arihant 1 is the 10th project of the builder Arihant Group. इससे पहले builder 9 projects successfully deliver कर चुके हैं, जिनमें से कुछ projects हैं Arihant Ardent, Arihant Amber एंड Arihant Abode. सो गाइज, ये उनका 10th प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है. एंड अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करते हैं तो ये रेरा के अकॉर्डिंग 2027 तक रेडी हो जाएगा एंड डिलीवर हो जाएगा. लास्ट ईयर ही ये लॉन्च हुआ था एंड काफी कम टाइम में ये डिलीवर भी हो जाएगा. अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करती हूँ तो काफी हद तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है एंड काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है. माइवान फ्रेमवर्क से इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये आपका 3 एकड़ के लैंड पार्सल में बन रहा है एंड यहाँ पर सिर्फ 3 टावर्स ही रहेंगे. तीनों हाई राइज टावर्स हैं. इनकी टावर हाइट रहेगी S+26 फ्लोर्स की. यहाँ पर आपको स्टिल्ट में डबल हाइट की एक एंट्रेंस लॉबी एरिया मिल जाती है. तीनों टावर्स के आपकी डेडिकेटेड लॉबी एरियाज रहेगी. साथ ही साथ स्टिल्ट पर यहाँ पर आपको अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको काफी सारी एक्सक्लूसिव अमेनिटीज मिल जाती हैं. जी हाँ, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट्स मिल जाती हैं एंड यहाँ का जो साइज है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है. यहाँ पर आपको काफी ग्रैंड साइजेस में अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. फॉर इंस्टेंस 3 BHK यहाँ पर रहेगा 1760 स्क्वायर फीट में एंड 4 BHK यहाँ पर रहेगा 2210 स्क्वायर फीट में. यानी कि बहुत ही ज्यादा आपको ग्रैंड साइजेस में यहाँ पर अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. 3 टावर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो टावर नंबर 1 में रहेंगे कम्प्लीटली आपके 4 BHK अपार्टमेंट्स एंड टावर नंबर 2 and 3 में रहेंगे आपके एक्सक्लूसिवली 3 BHK अपार्टमेंट्स. हर एक फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड 4 लिफ्ट रहेंगी इन्हें एक्सेस करने के लिए. प्लस आपका लॉबी एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया वो डबल हाइट लॉबी एरिया रहेगा. तो उसके अंदर आपका रिसेप्शन एरिया रहेगा, साथ ही साथ गेस्ट वेटिंग एरियाज रहेंगे.
प्लस टावर्स के बाहर आपको डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ एरियाज भी मिल जाते हैं, एंड ड्रॉप ऑफ एरियाज की जो फ्लोरिंग रहेगी वो आपकी इटालियन मार्बल की रहेगी। सो आपको यहाँ पर हर जगह काफी ज्यादा ग्रैंड एंट्रेंस मिल जाती है। प्रोजेक्ट में एक एंट्री एग्जिट गेट रहेगा जिसमें की प्रॉपर सिक्योरिटी भी मौजूद रहेगी। अरिहंत वन में आपको काफी अच्छा ओपन एंड ग्रीन एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं ओपन स्पेसेस की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में मोर देन 75% आपका ओपन कम ग्रीन एरिया रहेगा जिसमें कि पार्क्स रहेंगे प्रॉपर ग्रीनरी के साथ। इसमें आपके जॉगिंग ट्रैक्स रहेंगे अराउंड 900 मीटर का। यहाँ पर आपको जॉगिंग कम रनिंग ट्रैक भी मिल जाता है। अरोमा गार्डन्स आपके प्रेजेंट रहेंगे और उसके साथ साथ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एरियाज रहेंगे, किड्स प्ले एरियाज रहेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो स्टिल्ट है उसमें आपको कुछ एक्सक्लूसिव अमेनिटीज मिल रही हैं। तो यूजुअली बाकी प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि स्टिल्ट में आपको पार्किंग दी जाती है, बट यहाँ पर आपको पार्किंग स्टिल्ट में नहीं दी जा रही है। पार्किंग आपकी कम्प्लीटली बेसमेंट में रहेगी। इंस्टेड आपको स्टिल्ट में कई सारी अमेनिटीज मिल जाती है जैसे कि सीनियर सिटीजन सिटिंग एरियाज, क्रेश, फन एक्टिविटीज, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स जैसे कि बिलियर्ड्स, मिनी फुटबॉल कोर्ट एक्सेट्रा। तो ये आपकी स्टिल्ट की एक्सक्लूसिव अमेनिटीज हो जाएंगी। उसके साथ साथ तीनों टावर्स के टेरेस एरिया पे भी आपको कई सारी अमेनिटीज मिल जाती हैं जैसे कि सिटिंग एरियाज, सन डेक, योगा स्पेसेस, अरोमा गार्डन, बारबेक्यू, पार्टी लाउंज एक्सेट्रा। सो गाइज ये तो थी आपकी कुछ एक्स्ट्रा अमेनिटीज। इसके अलावा प्रोजेक्ट में 22,000 स्क्वायर फीट में एक क्लब हाउस भी प्रेजेंट है, एंड क्लब हाउस में आपको रूफ टॉप पर यहाँ पर स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं। एक किड्स पूल रहेगा एंड एक अडल्ट पूल रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके मल्टी कुजीन कैफेटेरिया रहेगा। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में बैंकेट हॉल रहेगा, साथ ही साथ कई सारी इंडोर एक्टिविटीज भी रहेंगी। प्लस दिस ऑल्सो अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन द प्रोजेक्ट जिसमें कि आपकी 15 कमर्शियल शॉप्स रहेंगी जो कि आपकी डेली नीड्स को फुलफिल करेंगी। इस प्रोजेक्ट में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सभी के सभी कॉर्नर यूनिट्स रहेंगे। इनफैक्ट टावर की पोजीशनिंग भी इस तरीके से की गई है कि यहाँ पर सभी यूनिट्स को प्रॉपर सनलाइट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। टावर टू टावर डिस्टेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ के अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो सभी अपार्टमेंट्स आपको सेमी रॉ कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे जिसके अंदर आपको जो सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी वो सभी के सभी आपके स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहेंगे। उसके साथ साथ पूरे अपार्टमेंट्स में आपको वीआरवी एयर कंडीशनिंग भी फिटिंग करके दी जाएगी, एंड काफी ज्यादा ग्रैंड साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आर्किटेक्चर की हम बात कर लेते हैं तो कॉन्फ्लुएंस ने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर किया हुआ है, एंड यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल। अभी यहाँ पर 3 BHK का 9,000 पर स्क्वायर फीट का BSP चल रहा है, वहीं 4 BHK का अराउंड 9,800 पर स्क्वायर फीट BSP है। गाइज मार्च में प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे, सो ये BSP फरवरी मंथ के हैं। एंड अगर मैं प्रोजेक्ट की USPs की बात कर लेती हूँ तो USPs इसकी यही रहेगी कि काफी ज्यादा प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। ये सेक्टर काफी ज्यादा आपका वेल डेवलप्ड सेक्टर है, एंड नोएडा एक्सटेंशन के वन ऑफ द प्राइम सेक्टर्स में से एक आता है। यथर्थ हॉस्पिटल यहाँ पर आपको काफी नजदीक मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्ट है ये एक स्टैंडर्ड जेंट्री को टारगेट करता है। यहाँ पर जो जेंट्री आएगी वो भी काफी ज्यादा एक अच्छे लेवल की होगी। अपार्टमेंट्स में आपको साइजेस काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, काफी ग्रैंड यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं। उसके साथ साथ ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 3 acres के एरिया में सिर्फ 3 towers है, एंड यहाँ पर सिर्फ टोटल 308 अपार्टमेंट्स ही रहेंगे। अर्बन लग्जरी प्रोजेक्ट है, लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर जितनी भी अमेनिटीज है वो भी सारी काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव अमेनिटीज हैं। आपको 50 प्लस यहाँ पर अमेनिटीज मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग प्राइस की हम बात कर लेते हैं तो अभी एट प्रेजेंट यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस 1.56 crore है। एंड अगर मैं आने वाले टाइम की बात करती हूँ, यहाँ पर अप्रिशिएशन की बात करती हूँ, तो आपको 1 महीने में तो यहाँ पे प्राइसेस रिवाइज हो ही जाएंगे, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक यहाँ पर एवरेज BSP जो है वो यहाँ पर 13,000 से 14,000 पर स्क्वायर फीट का रहेगा। अभी यहाँ पर 9,000 से 9,500 का रेट है। जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक यहाँ पर आपको 13,000 से 14,000 का BSP मिलेगा। दैट मीन्स आपको 5,000 से 6,000 पर स्क्वायर फीट पर यहाँ पर अप्रिशिएशन मिल जाएगा। तो अगर आप अभी, चाहे आप एक इन्वेस्टर हो या फिर एक एंड यूजर हैं, अगर आप यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करते हैं, एक अच्छी
लग्जरी सोसाइटी में आप एक अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, देन अरिहंत वन इज द परफेक्ट वन फॉर यू। अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, देन यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। एंड गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, डू टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय एंड टेक केयर।